हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरज हिजाल आज आपके सामने सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन ग्राफिकली कैसे ड्रॉ किया जाता है वो बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर हमको बोला गया है ड्रॉ अ नेट ग्रेटिक्यूल्स फॉर सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन एक्सटेंडिंग फ्रॉम 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ और 60 डिग्री वेस्ट टू 110 डिग्री वेस्ट विथ इंटरवल ऑफ 10 डिग्री with RF 1:150 million। तो बच्चों हमें यहाँ पर कहा गया है कि हमारा जो इक्वल एरिया का ये जो सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन का जो लैटिट्यूड होगा वो होगा हमारा 30 डिग्री से 30 डिग्री साउथ और लॉन्जिट्यूड होगा हम लोगों का 60 डिग्री से 110 डिग्री वेस्ट और इंटरवल हमारा होगा 10 डिग्री और हमारा जो स्केल होगा वो होगा 150 मिलियन। तो इससे पहले कि मैं ये जो इक्वल एरिया प्रोजेक्शन जो है वो ड्रॉ करना शुरू करूं, उससे पहले हमें अर्थ का जो एक्चुअल रेडियस होता है उसको इस स्केल पे क्या करना होगा, हमें रिड्यूस करना होगा यानी कि घटाना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर हमें कुछ हिसाब करना होगा, वो हिसाब मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ। अभी देखिएगा मैं कैसे ये काम करता हूँ। थोड़ा सा ये लेटर घटा देता हूँ मैं। ओके 30 पे ले आता हूँ। रेडियस ऑफ द रिड्यूस्ड अर्थ इज इक्वल टू यहाँ पर होगा 640 अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस यूनिट पे करोगे। अगर आप सेंटीमीटर के यूनिट पे करोगे तो अर्थ का एक्चुअल रेडियस होगा आपका 640 मिलियन और यदि आप इंच पे करना चाहोगे तो अर्थ का क्या होगा, वो जो एक्चुअल रेडियस होगा वो होगा 250 मिलियन। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस पे करोगे। तो इसको अब हम क्या करेंगे, स्केल से डिवीजन दिया गया है, स्केल से डिवीजन करेंगे। अभी हमको स्केल दिया गया है हमको इज इक्वल टू 150 मिलियन दिया गया है। इससे हम क्या करेंगे, अभी डिवीजन करेंगे स्केल को। जब डिवीजन करेंगे तो हम लोगों का वो रिड्यूस हमारा जो अर्थ का रिड्यूस रेडियस होता है वो आ जाएगा। इससे हम जब डिवीजन करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 4.26। इसे हम राउंडिंग ऑफ कर देते हैं 4.3 cm। ये हो गया हम लोगों का रिड्यूस रेडियस, अर्थ का जो रिड्यूस रेडियस है ये वो रहेगा। अभी इसी रेडियस पे हमें अपना काम करना है, तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पर मैं आपको ये सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन क्या होता है, कैसे बनाते हैं वो ड्रॉ करके सिखाने जा रहा हूँ। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी, जैसे कि मैं कुछ जो इंस्ट्रूमेंट हमको ज़रूरत होगी वो मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, कृपया ध्यान दीजिएगा। हमें एक स्केल चाहिए होगा, उसके बाद हमें एक कंपास चाहिए होगा और हमें ये प्रोटेक्टर भी हमें चाहिए होगा। जो चीज़ का जब काम पड़ेगा हम उसे तभी यूज करेंगे। ये हो गया। इसी तरह कंपास को हम यहाँ पर रख देते हैं और एक आपको क्या करना होगा, एक लाइन आप क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। ओके ये एक लाइन आप ड्रॉ करोगे। यहाँ से ड्रॉ करेंगे। अभी हम लोगों का रेडियस कितना था, रिड्यूस रेडियस कितना था, 4.3 था। तो एक पेंसिल कंपास की मदद से हम क्या करेंगे, एक हाफ सर्कल बनाएंगे यहाँ पर इसी लाइन पे। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये लगभग एक पीरियड का टाइम क्लास है, तो आपको थोड़ा सा धैर्यता के साथ ये देखना होगा। 4.3 सेंटीमीटर अभी ये दिख रहा है हम लोगों को, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। 4.3 सेंटीमीटर का हमने ये कर लिया। इसके बाद यहाँ से हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे। मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया हाफ। ओके, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं मार्किंग कर देता हूँ क्योंकि प्रोटेक्टर रखना हो आसान होगा। ये हमारा सेंटर होगा, तो यहाँ पर छोटा सा मैंने मार्क करके रखा है। वैसे भी अगर आप जब ऑफलाइन करोगे तो पेंसिल का दाग, कंपास का दाग तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर कोई दाग नहीं रहेगा, इसी की वजह से मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ। अब आप क्या करोगे, ये प्रोटेक्टर लाओगे, प्रोटेक्टर लेके आओगे और प्रोटेक्टर की मदद से आप यहाँ पर इसे, ये जो हाफ सर्कल है इसको आप डिग्री पे डिवीजन करोगे। हम लोगों का दिया गया है करने के लिए कुल 7 नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री और साउथ की तरफ 30 डिग्री, इसका मतलब इक्वेटर को मिला के हमें लगभग 7 लाइन ड्रॉ करना है, तो 7 पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे। ये इक्वेटर का हो गया, ये इक्वेटर का ये हुआ। ये 1 0 डिग्री, ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, ये 30 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पर भी 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ और ये 30 डिग्री साउथ। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये मार्किंग करना है। अब दिखाई दे रहा होगा आपको पॉइंट, तो अभी हम इसको भी यहाँ से हटा देते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर स्केल लेके आते हैं। और ये जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ये जो लाइन होगा आपका एक दूसरे से पैरेलल होना होगा, क्योंकि आप भी जानते हो कि जो हमारा लाइन ऑफ लैटिट्यूड होता है वो एक दूसरे से, इक्वेटर से एकदम पैरेलल होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सेट स्क्वायर लेना है और सेट स्क्वायर से आपको वो करना है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। अभी सेट स्क्वायर से कैसे कोई लाइन को पैरेलल किया जाता है मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा। और ये इक्वेटर को पूरा ही ड्रॉ, लंबा ही ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर क्योंकि इक्वेटर का काम है। तो इक्वेटर को मैंने यहाँ तक ड्रॉ करके रखा है। उसके बाद मैं 10 डिग्री नॉर्थ का लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये हो गया। टेन डिग्री 10 डिग्री। इसी तरह आपको दूसरा लाइन भी ड्रॉ करना होगा। थोड़ा सा नीचे देखिएगा, ये हो गया हम लोगों का 20 डिग्री नॉर्थ का लाइन। इसी तरीके से हम अभी करेंगे थोड़ा सा 30 डिग्री का लाइन भी इस तरह से। थर्टी डिग्री का लाइन भी यहाँ पर ड्रा हो गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अभी साउथ का लाइन जो इक्वेटर की साउथ तरफ का जो लाइन होता है उसको भी हम यहाँ पर ड्रा करेंगे। अभी देखिएगा जिस तरह से ऊपर का हमने ड्रा किया था उसी तरह हम नीचे का भी ये लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन हो गया हम लोगों का 10 डिग्री साउथ का लाइन। अभी इसी तरह से हम 20 डिग्री, इस तरीके से हम अभी 30 डिग्री साउथ का लाइन भी ड्रॉ करेंगे। अभी ये देखिए, ये 30 डिग्री साउथ का लाइन भी हो गया। तो अभी हमने इस तरीके से ये लैटिट्यूड के लिए ये इंटरवल कर लिया है, लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, लैटिट्यूड को स्पेसिंग करने के लिए उसके लिए एक जगह बनाएंगे। वो कैसे किया जाता है वो भी मैं अभी आपको बोलने जा रहा हूँ। अभी इसके लिए हमें पेंसिल कंपास की ज़रूरत पड़ेगी। तो पेंसिल कंपास को हम लेके आते हैं अभी यहाँ से। पेंसिल कंपास हाँ यहाँ पर है। अभी पेंसिल कंपास की ज़रूरत पड़ेगी। तो पेंसिल कंपास से हम क्या करेंगे, अभी ये गैप जो है ये और इस जगह का गैप जो है ये जो दोनों 10 डिग्री में 10 डिग्री का जो अभी कहाँ चला गया, अभी एक मिनट, हाँ ये यहाँ से पेंसिल कंपास लेके आते हैं और पेंसिल कंपास से ये दो लाइन का जो स्पेसिंग है उसको लेने के बाद अभी इस स्पेसिंग को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इससे डिवीजन करेंगे, इक्वेटर को डिवीजन करेंगे। इसी स्पेसिंग की सहायता से हम यहाँ पर डिवीजन करेंगे इक्वेटर पे। ये हो गया हमारा एक डिवीजन। उसी तरह से ये दूसरा डिवीजन है। इसी तरह से ये तीसरा डिवीजन, ये चौथा डिवीजन और ये पांचवा डिवीजन। कुल हमारे पास, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुल हमारे पास कितने लैटिट्यूड होने चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर कहा गया है 60 डिग्री वेस्ट टू 110 डिग्री वेस्ट, यानी कि 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 110, यानी कि कुल 6 लॉन्जिट्यूड होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 6 लॉन्जिट्यूड के लिए ये कर दिया है। अभी यहीं पर आते हैं, हम मेन पेज पे आ जाता हूं मैं। ओके, यहाँ पर मैं अभी स्केल को ले आता हूं और जो हमने ड्रॉ किया था उसी के बेसिस पे ये करने जा रहा हूँ। जो स्पेसिंग किया था उसी के बेसिस पे मैं यहाँ पर, और आपको ये बोलने जा रहा हूँ ये भी एक दूसरे से पैरेलल होना चाहिए, और पैरेलल कैसे होते हैं, जो हम सेट स्क्वायर बोलते हैं वो इंस्ट्रूमेंट से हम किसी भी लाइन को पैरेलल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये हो गया, और ये स्पेसिंग जो है ये हो गया, और इसी तरह से ये हो गया, इसी तरह से इसको भी हम यहाँ पर ये कर देते हैं और ये हो गया हम लोगों का छठवा लास्ट। अब इस तरह से 1 2 3 4 5 और एक लास्ट में रह गया, सॉरी ये 6 लाइन ड्रॉ करने के बाद अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, अभी इसको घुमा के स्केल को इस तरीके से घुमाता हूँ और इसको अभी ये लाइन को हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, इसको भी पूरा ही खींचेंगे। अभी 10 डिग्री नॉर्थ का ये लाइन खींचेंगे, 10 डिग्री नॉर्थ का। तो इसके लिए देखिएगा 10 डिग्री नॉर्थ ये लाइन एक ड्रॉ हो गया। इसी तरीके से मैं फिर बोल रहा हूँ आपको कि इसे पैरेलल करना आप जब ऑफलाइन करोगे तो उतना आसान नहीं होगा, इसके लिए आपको सेट स्क्वायर की मदद से आपको पैरेलल करना होगा इस लाइन को। दूसरा 10 डिग्री 20 का लाइन और ये जो लाइन है लास्ट का, ये जो लाइन है लास्ट का ये आपका हो गया 30 डिग्री नॉर्थ का लाइन। इसी तरीके से आपको नीचे भी वैसा ही करना होगा। ये 10 डिग्री साउथ का लाइन खींचने के बाद मैं अभी यहाँ पर आपको 20 डिग्री साउथ का लाइन भी ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, इसी लाइन से करना होगा 20 डिग्री साउथ का लाइन। और ये लास्ट का जो है आपका जो ये लाइन है, ये लाइन आपका लास्ट 30 डिग्री साउथ का लाइन। इस तरीके से आप ये ड्रॉ कर पाओगे। तो लगभग हमारा ये जो सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन है वो लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी जितने भी एक्स्ट्रा लाइन है उस एक्स्ट्रा लाइन को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। जैसे कि ये जो जगह है, ओ सॉरी ये पूरा डिलीट हो गया, ओके यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा इसको हम घटाते हैं क्योंकि ये ओके ये डिलीट हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं। इसी तरीके से इसको भी डिलीट कर देते हैं और इसी तरह इसको भी यहाँ तक डिलीट कर देते हैं। इसी तरह इसको भी यहाँ तक, जो आप पहले करोगे इसको आप पहले पेंसिल से ही करोगे, उसके बाद ही आपको पेन से करना है। अगर आगे से ही आप पेन से करोगे तो आपको डिलीट करने में प्रॉब्लम होगी। इस तरीके से सब जितने भी बाकी लाइन है सबको आप डिलीट करते जाओगे। जब आप सारे एक्स्ट्रा लाइन को डिलीट कर देते हो तो आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा। आपका जो ये सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन है कुछ इस तरीके से आएगा। अभी आपका कंप्लीट हो चुका है, सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ ये 1-2 काम है। जैसे कि यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ, जैसे 110 डिग्री मैं नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए ये आपको खुद ही से लिखना होगा। काइंडली आप ये अपने से लिखिएगा। यहाँ पर थोड़ा काइंडली ये नोट कीजिएगा कि मैं अभी डिग्री नहीं लिख पा रहा हूँ, 20 डिग्री वेस्ट। इसी तरीके से ये 20 डिग्री वेस्ट का लाइन जो है, ओ सॉरी 20 डिग्री नहीं, सॉरी 110 डिग्री वेस्ट। डिग्री आपको खुद से लिखना है बच्चों, आपको थोड़ा ये याद कीजिएगा। ये जो आप, मैं जो डिग्री लिखने की बात कर रहा हूँ ये आप खुद से लिखिएगा। 90 डिग्री वेस्ट, इसी तरीके से ये हो गया आपका 80 डिग्री वेस्ट, क्योंकि यहाँ पर डिग्री लिखने का ऑप्शन नहीं है इसीलिए मैं यहाँ पर डिग्री नहीं लिख पा रहा हूँ, तो काइंडली ये नोट कीजिएगा। और ये हो गया आपका 60 डिग्री वेस्ट। इस तरीके से हम ये आपका हमने ये कर लिया है। इसी तरीके से आपको ऊपर में भी, यहाँ पर भी आपको करना है, यहाँ पर भी करना है। तो आपको यहाँ पर करना है, लिखना है ये हो गया आपका 30 डिग्री नॉर्थ का लाइन, ओ सॉरी 30 डिग्री नॉर्थ का लाइन। ओके, इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी ये होगा आपका 20 डिग्री नॉर्थ हो गया ये। इसी तरीके से काइंड डिग्री आप खुद से लिखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर डिग्री ना होने की वजह से, डिग्री का ऑप्शन ना होने की वजह से 10 डिग्री नॉर्थ का लाइन। इसी तरीके से ये 0 डिग्री जो इक्वेटर है, 0 डिग्री। इसी तरीके से आप साउथ का भी लिख सकते हैं, साउथ का भी इसी तरीके से आप मान लीजिए ये 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री साउथ। आप इसको यहाँ पर लेके आइए, अपने कलम से लिखिएगा 10 डिग्री साउथ। इस तरीके से आप जब लैटिट्यूड भी डालेंगे, यहाँ पर हमने देखा, आपने देखा यहाँ पर मैंने लैटिट्यूड भी डाल दिया है और इसी तरह यहाँ पर मैंने लॉन्जिट्यूड भी डाल दिया है। इसी लॉन्जिट्यूड को आप यहाँ ऊपर भी कॉपी करोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको यही नंबर यहाँ पर भी लिखना है, जैसे कि अभी यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ एक स्टिक 101 डिग्री के ऊपर, सॉरी 110 डिग्री वेस्ट। अभी मैं यहाँ पर 110 डिग्री वेस्ट को यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। ये हो गया 110 डिग्री वेस्ट। तो इस तरह से हमारा ये सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गया है। अभी हमारा लास्ट काम अभी बाकी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी लास्ट काम के लिए हम क्या है हमारा नाम लिखना अभी बाकी है, तो हम यहाँ पर सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन नाम दे देते हैं इसको। फॉन्ट का साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं, फॉन्ट का साइज अभी यहाँ पर 40 पे कर देते हैं, 40 पे कर देते हैं फॉन्ट का साइज। और थोड़ा बोल्ड भी कर देते हैं इसको ताकि दिखने में अच्छा लगे। सिलिन इस तरह से सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन लिखने के बाद अभी हमारा लास्ट काम बाकी है, वो है हमारा स्केल को लिखना। तो स्केल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं। स्केल को थोड़ा सा ऊपर करके आप जो स्केल है इसको यहाँ पर लिख सकते हो। मैं यहाँ पर दे रहा हूँ RF। तो बच्चों इस तरीके से हम ये RF 1:50 मिलियन हमने लिख लिया है। तो इस तरीके से हमारा सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको जो भी मैं सिखा पाया शायद आपने सीख लिए होंगे, और इसी तरह के वीडियो मेरा आगे भी देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अगले अपने वीडियो में आपको सिंपल कोनिकल प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ किया जाता है वो बताने जा रहा हूँ। तो काइंडली मेरे चैनल को फॉलो कर दीजिएगा। थैंक यू।